How we kept your name Oreo? हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्डिनरी वुमन केपी व्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे एंड इट्स 9:30 हियर और सुबह सुबह हम एक टास्क करने वाले हैं जो है हमारी छोटी सी बिल्ली जो बहुत क्यूट और शांत लगता है सारे वीडियोस में बट है बहुत बड़ा खौफनाक चीज़ उसको नहलाना। तो हम वही करने जा रहे हैं एंड आपको वो दिखेगा आज के वीडियो में, आपको देख के पता चल जाएगा वो क्या करता है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। फिलहाल इसको एक कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम इसको क्या करने वाले हैं, बैठ के वो अपना खुद का क्लीनिंग कर रहा है। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया उसको नहला के एंड उसका ग्रूमिंग का भी टाइम हो गया बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सिचुएशन हम वेट के पास नहीं जा सकते हैं या ग्रूमिंग के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, तो इसीलिए इसका हालत थोड़ा ख़राब है। ओए ओए कम कम गुड बॉय लेट्स गो कम कम ऑन कम ऑन कम वेयर आर वी गोइंग बाती 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 बाती। इसको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि मैंने उसको उठा लिया है तो मतलब आई एम गोइंग टू टेक हिम टू द बाथरूम। तो अभी देखते हैं क्या करता है। चलो चलो देखो देखो कैसे रेस्टलेस हो रहे हैं। कम कूचू पापू वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ बाथ। हाँ डाल दिया उसको हमने टब में। हाय कियान उधर बैठ के हाय हाय कर रहा है। ओरियो गुड बॉय। सब आपको देखने वाले हैं वीडियो में सो बिहेव योरसेल्फ। अभी देखो एक्चुअली इसको थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम है इसलिए वी यूज अ हाइपो एलोजेनिक शैम्पू फॉर हिम। ओए ओए ओरियो। अभी कियान का भी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत रोने का आवाज़ आएगा क्योंकि उसको हमने हॉल रूम में हाई चेयर पे बिठा दिया है। उसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। व्हाट हैपेंड इसको बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं। वो अपना जान छुड़ा के भागना जा रहा है अभी। ही इज जस्ट लुकिंग मैं कहाँ से कूदूँ। एंड ये बिल्लियों का यही प्रॉब्लम है, कूद के कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं फिर उनको वापस लेके आना मतलब बहुत बड़ी टास्क। ओके 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 देखो 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 क्या कर रहे हैं। मस्ती स्टार्टेड। ओके ओके फिनिश 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 नो प्रॉब्लम। अभी उसको वो क्रीम लगा आई मीन हमें शैम्पू लगा के उसको थोड़े टाइम रखना पड़ता है क्योंकि ये है वो शैम्पू। दिखा दो एक मिनट। ये हाइपो एलर्जेनिक शैम्पू है ये फॉर कैट्स एंड डॉग्स। तो ये लगा के उसको एक्चुअली थोड़ा टाइम रखना पड़ता है। गंदू बॉय गंदू गंदू हो गया बिना नहाए गंदू गंदू। ये ओरियो का अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ इफ़ यू आर माई फर्स्ट टाइम व्यूअर। जब मैं शादी करके आई थी यहाँ पे हम एक विला में रहते थे तो वहाँ पे जो हमारे नेबर्स थे उनको ये बिल्ली कहीं से तो मिल गया था। वो कॉलेज जाता था तो आई थिंक कॉलेज के उधर से कुछ मिला था एंड आजमान में कहीं पे रोड पे मिला था। हाँ रोड पे कहीं पे तो मिल गया था एंड ही जस्ट बॉट इट एंड उसने सोचा कि वो एनिमल मार्केट में दे देगा बट थोड़े दिन के लिए उसने मुझे दे दिया था संभालने के लिए। तो एक अटैचमेंट जैसा हो गया था इसके साथ एंड वो भी ये एनिमल मार्केट में देना मतलब फिर से अबैंडन करना। फिर हमने रख लिया उसको डॉक्टर के पास लेके गए सारा टेस्ट वेस्ट किया जो भी था वो उन लोगों ने बोला। हाँ वैक्सीनेशंस एंड दे टोल्ड कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसको एंड ही वाज अराउंड तभी उन्होंने बोला आई थिंक 3 to 4 years का होगा ये बिल्ली। तो फिर हमने उसको रख लिया अपने पास एंड तब से वो हमारे साथ ही। अभी दिस इज द 3rd year दैट ही इज विद अस क्योंकि हम उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ऑलरेडी किसी ने उसको शायद अबैंडन ही किया था तो वी डिडंट वांट दैट एंड काफ़ी डिप्रेस था वो जब वो मुझे मिला था। उस दिन का क्लिप शायद है मेरे पास, मैं वो भी डालने की कोशिश करूँगी अगर मुझे वो क्लिप मिलता है। ये देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है मस्ती खोर। वैसे तो बहुत शांत है बिल्कुल कुछ नहीं करता है बट यही सब चीज़ है खाना। अगर हम कुछ नॉनवेज खा रहे हैं तो उसको
भी चाहिए तो चढ़ जाता है और ये नहाने के लिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, वेरी शांत एंड क्यूटी पाई। हाँ गुड बॉय गुड बॉय। अभी पानी डालेंगे तो वापस उसका स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टिल वो देख रहा है कि मैं कहाँ से कूदूं। गुड बॉय, क्लीन योर पो। ना 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 ना, नो 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 नो, गुड बॉय। ओरियो ओरियो गुड बॉय। इसका टॉवल भी चाहिए रहेगा हमें, उसका हो जाएगा मैं लेके जाऊंगी। और वो कितना स्मार्ट है, एज सून एज ही सीज द टॉवल वो म्याऊ करेगा कि हो गया मेरा, अभी मुझे फटाफट निकाल दो यहाँ से। जो है पानी डालना है इस पे, जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वार्म वाटर है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए व्हेन ही रन्स फॉर। ठंडा पानी रहेगा तो ही बी क्लाइंबिंग द वॉल हियर। अभी भी एस्केप करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं हो पा रहा उसे। तो हाँ, जब ये हम लोग को मिला था, हम लोग को लगा ये लड़की है, तो हमने इसका नाम रख दिया था एंजल। बट फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, 3-4 दिन हमने उसको एंजल एंजल करके बुलाया। फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ पता चला रही ये तो लड़का है एंड वो न्यूटर्ड कैट है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है तो इसीलिए वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इज जेंडर वेरी इजीली। तो इसलिए जब डॉक्टर ने देखा हमें पता चला कि ही इज एक्चुअली अ मेल कैट एंड तुरंत यहाँ पे पासपोर्ट, सब बिल्ली या जो भी एनिमल्स आप रखते हो उसका पासपोर्ट और ब्लू चिप होना कंपलसरी है, अदरवाइज इट्स इलीगल। तो ऑन द स्पॉट हमें एक नाम क्रिएट करना था एंड ही क्रिएटेड दिस नेम ओरियो। ओ देखो ओए ओए ओके 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 ओरियो गुड बॉय गुड बॉय। तो फिर ऐसे उसका ओके डन 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 फिनिश इट्स डन इट्स डन डन Look there. I am telling your story only, Babu. How we kept your name Oreo? Oh, okay. No problem. It's hot. I'll make it. It's very hot. Okay. Okay. The temperature outside is also cold. Sorry. No problem. No problem. Now it's fine. Fine now. See, now it's fine. Fine now. Okay. Good boy. So, ऐसे इसका नाम Oreo पड़ा। वरना हम तो उसको एंजल एंजल करके बुला रहे थे, बेचारे को लड़की बना दिया था हमने। पतली सी आवाज कर रहा। वो गेट दिस टॉवल। या आई गेट दिस टॉवल। या अब ये टॉवल देखेगा कूदेगा, वेरी एक्साइटेड, डबल जंप मार रहा। आई क्लोज द डोर क्योंकि वहां किया एक तांडव कर रहा है और यहाँ पे ये कम 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 बेबी। फिनिश्ड फिनिश्ड बाती बाती। पहले एक्चुअली ना जब हम वहाँ पे रहते थे शारजा में, ब्लो ड्रायर कनेक्ट होता था बाथरूम में। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि स्विच नहीं है ब्लो ड्रायर कनेक्ट करने के लिए, ऐसे हमें टॉवल से करना पड़ रहा है, अदरवाइज वहाँ पे सीधा हम ब्लो ड्रायर कर देते थे एंड फटाफट सूख जाता था। ये देखो भाग गया। हाँ भगवान। ओरियो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। See now you're so clean clean. Oreo, so clean you're looking now. Good boy. ये देखो उसको थोड़ा थोड़ा स्किन में वो पिंक पिंक हो गया है। तो यही था एक छोटा सा व्लॉग बर्थ डे फॉर माई क्यूटी पाई कैट ओरियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। हमने ये कपड़ा सुखाने का स्टैंड अंदर ही रख दिया था क्योंकि दुबई में थोड़े दिनों से स्टॉर्म चल रहा था तो सारे कपड़ों में धूल और ये स्टैंड भी बार बार गिर रहा था। तो अभी देखो ये यहाँ पे आके ऐसे छुप के बैठ के अपने आप का क्लीनिंग कर रहा है। तो यही है लास्ट स्टेप, नहा के आएगा और फिर खुद अपना एक क्लीनिंग करेगा। ये देखो मैं धो रही हूँ कैट की। मैं धो रही हूँ कैट।
ये देखो दिखा रहा है. और ये कैट इज हाइडिंग हियर. गू ही इज हाइडिंग. और ये कैट इज हाइडिंग. ओके ये भी नहाने के लिए तैयार. अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा इसको नहलाना. तो अभी एक एक करके सब नहाएंगे. दिस इज बिहाइंड द सीन्स ऑफ द व्लॉग. बेबी स्टॉप इट.